आतंकवाद के बाद अगर जम्मू कश्मीर की जनता किसी मुश्किल से जूझ रही है तो वो है ड्रग्स की समस्या। ड्रग्स एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है जिसने हमारे समाज में रहकर हमारे समाज को दीमक की तरह खाली कर दिया है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DIG जम्मू अशकूर वानी जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस नासूर को हमारी सोसाइटी से हटाने के लिए पुलिस महकमे की तरफ से क्या पहल की जा रही है। सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आप हमारे व्यूज को बताइए कि जो ये ड्रग्स की समस्या है जम्मू में बहुत तेज़ी के साथ फैली है, इससे रिगार्डिंग आप लोग क्या मेजर स्टेप्स हैं जो ले रहे हैं? देखिए, ड्रग्स जो है ये एक बीमारी की सूरत में सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 4 साल पहले जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 50 से 60 केस जो है रजिस्टर होते थे साल के, और पिछले 4 सालों से आज हम वहाँ पहुँच गए हैं कि कोई 400 के करीब केस रजिस्टर होता है। तो आप पुलिस एक्शन या इसकी वेलोसिटी दोनों ही इस एंगल से देख सकते हैं। जो पुलिस ने इसको सख्ती से काम करना है उसमें 400 केस रजिस्टर करने के साथ साथ अगर आप सांबा और कठुआ के केसेस का भी एडिशन करें तो कोई 600 के करीब केस रजिस्टर होता है साल में इस रेंज में एंटी ड्रग्स एक्शंस में। उसके साथ अगर उस आप रिकवरी को देखेंगे तो वो तो कोई 20-30 गुना बढ़ गई है। लाखों की तादाद में कैप्सूल पकड़े जाते हैं, फुक्की है, चिट्टा है, गांजा है, अफीम है, जिसका भी आप नाम लें वो सारी ही चीज़ें पकड़ी जाती हैं। पुलिस ने उस एक्शन को लोगों के कंसर्न को देखते हुए ही तेज़ किया है और उस एक्शन में बहुत से लोग जेलों में गए, PSA लगे, केस भुगत रहे हैं, बेचने वाले, खाने वाले, पकड़ने वाले, जो भी इसमें डीलर हैं, होलसेल है, दूसरा है, सभी के खिलाफ एक्शन हुआ है। पुलिस अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश कर रही है कि ये कम से कम इस क्राइम को मिनिमाइज़ किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये क्राइम जो है सिर्फ क्राइम की सूरत में देखने से हल नहीं होगा, ये एक बीमारी है। और जहाँ भी ये घुस गई है, आप जिस तरह एक आम मरीज़ को ट्रीट करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, उसके लिए इलाज करना पड़ता है, उसके लिए इवन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स का एक बड़ा रोल बनता है। पेरेंट्स जो हैं, अगर पूरी सोसाइटी ये नज़र बनाए कि सिर्फ पुलिस को ही इस एक्शन को ख़त्म करना है और पुलिस ने कंट्रोल करना है कि बच्चे ड्रग्स ना लें, तो ये एक पुलिस एक्शन में पीछे नहीं है, लेकिन इस कंट्रोल के लिए पुलिस के पास बहुत कम साधन हैं कि जिससे पुलिस बच्चों को इससे परे रखे। तो घर में जो पेरेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो पेरेंटल रोल में कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किधर बैठते हैं, आइसोलेट क्यों हैं, क्या खा रहे हैं, कब आए, ये सारी अकाउंटेबिलिटी हर घर में जानी पड़ेगी। जब हर घर में जाएगी तो बच्चों के ऊपर कंट्रोल आएगा, जो लोग इसमें जाने वाले हैं उन पर रोक लगेगी, जो जा चुके हैं उनका एज ए मरीज़ अगर हम इलाज कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ठीक होंगे। वो सारी चीज़ें पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर इस बीमारी से निपटना है तो पेरेंट्स का एक बड़ा रोल आता है। उसके बाद समाज का बड़ा रोल आता है कि जब वो नोटिस करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बिक रही है, खाई जा रही है, इस्तेमाल हो रही है, कौन कर रहा है, वो सोशल लेवल पे मोहल्ला, घर, समाज में सभी को उसमें अकाउंट फॉर करें। और पुलिस का भी जितना एक्शन है, पुलिस उसमें एक्शन करी जा रही है और भी करेगी। पुलिस इसके साथ साथ हम हर फोरम पे लोगों के साथ जुड़ते हैं, खाए स्कूल कॉलेजेस हों, हमारे SSP एक पाठशाला के नाम से एक काउंसलिंग भी चलाते हैं जो कॉलेजेस स्कूल्स में जाके, तो हम लोगों को काउंसल भी करते हैं कि इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, इसको कैसे निपटना है, इसको कैसे छुटकारा पाना है, वो सारी चीज़ें काउंसलिंग में दूर कैसे रखना है लोगों को वो बताई जाती हैं। हमारी तरफ से उस जगह भी एक वैक्यूम जो है वो समाज ने पूरा करना है कि जो हम जहाँ छोड़ते हैं वहाँ से आगे समाज उस अवेयरनेस को और लोगों में ले जाए तो तब जाके वो ठीक होगा। तीसरी बात यह है कि जो लोग बिल्कुल इसमें जा चुके हैं और वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, वो इतने बड़े एडिक्ट हो गए हैं, तो उसमें भी हमने श्रीनगर और जम्मू में पुलिस हॉस्पिटल से अटैच
एसोसिएट 10-20 बेड्स का हॉस्पिटल टाइप क्रिएट किया हुआ है कि हम लोगों को वहाँ मेडिकल एक्सपर्टीज़ है, ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, हम लोगों को वो भी मदद करते हैं। तो पुलिस जो है इस बीमारी को 3 एंगल से इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही है कि जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है काउंसलिंग हो रही है, जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ समाज तक जाके जुड़ के इसकी बुराइयाँ हाईलाइट करने की बात है वो हो रही है, और जहाँ लीगल एक्शन है वो तो एक पार्ट ऑफ ड्यूटी है वो हो ही रहा है। इन सारे काम करने के बाद पुलिस के पास अब लिमिटेड रोल रह जाता है कि वो और आगे क्या करे। तो और आगे समाज का एक बड़ा रोल है, मैं आपके चैनल की माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाज उस रोल को पूरा करे, प्ले करे, और हमें हर घर के ऊपर अकाउंट करना पड़ेगा, घर घर जोड़ के मोहल्ले बनाने पड़ेंगे, मोहल्लों को जोड़ के शहर बनाने पड़ेंगे, तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। सर, देखा यही जाता है कि पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो एडिक्टेड हो चुके हैं, जब उनको ये बात पता चलती है तो सबसे पहले वो सोसाइटी में शर्म बदनामी की वजह से इस चीज़ को रिवील ही नहीं करते हैं। तो इस तरफ आप लोग उनको बहुत सी मदद जो है प्रोवाइड तो कर रहे हैं फैमिलीज़ को, उन बच्चों को, लेकिन सर इस चीज़ को प्रोवाइड करने में आप लोगों को किन दिक्कतों का सामना है जो करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो जो पेरेंट्स जो हैं, पहले उनको पहला साल तो पता ही नहीं लगता, उनको पता तब लगता है जब वो फाइनेंशियली उनकी जेब तक टैक्स पहुंचना शुरू हो जाता है कि बच्चे का खर्चा बहुत बढ़ गया है, या घर में पैसे चुराए जाने लगे हैं, या कोई उल्टा काम होने लगा है, तो तब वो जाके ढूंढते हैं कि क्या हो रहा है। तो तब तक वो दूर निकल गया होता है। अब वो दूर निकल गया है तो अगर साल भर वो पहले ले रहा है, अब वो शर्मिंदगी में कि पहले तो घर में मारे कूटेंगे, गालियाँ निकालेंगे बच्चे को, उसके बाद कहेंगे कि भैया मोहल्ले में कोई इसका पता नहीं लगना चाहिए, तो वो अपनी बाउंड्री सील कर लेंगे। तो उस तरह से जो है वो खुद बच्चे को हो सकता है रात को छुपा के लाएं, सुबह लेट बाहर से निकालें, तरह तरह के वो चीज़ें। तो पेरेंटल जो रोल की जगह वो खुद भी एक विदाउट एडिक्शन के एडिक्शन में है। बच्चा तो एडिक्ट हो गया कि बेचारे को लत लग गई, लेकिन घर वाले उस एडिक्शन में पार्टी बन गए कि नहीं, किसी को बनाना नहीं है, बताना नहीं है, मामे को पता लगेगा, फूफी को पता लगेगा, बेइज्जती होगी। तो उस बेइज्जती में 2 साल उसको और पीने दिया, उसके बाद तो वो बेचारा हेल्पलेस है, यू कांट रिकवर हिम। तो वो जो घर में बेइज्जती वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, अगर आप लोग घर में बैठे हैं और कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सभी को पता नहीं लगता कि एक्सीडेंट हो गया, तो बीमार है, अगर उसको इलाज कराते हैं तभी ठीक है। जब आप छुपा के रख लो घर में कि टांग टूटी है, बताना किसी को नहीं है, तो वो तो सड़ जाएगा। तो वहाँ अगर लोग वो सोचते हैं तो यहाँ भी ये सोचना पड़ेगा कि ये कोई बुरी बात नहीं है, एक बीमारी है, एक बीमारी है, उसमें घुस के निकलना है। तो वो निकालने की कोशिश तो पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। सर, ये जो ड्रग्स है ये J&K में आ कहाँ से रहा है, मेन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ से ड्रग्स को यहाँ पर भेजा जा रहा है? देखिए, ड्रग्स जो हैं ये तो एक इंटरनेशनल माफिया चलता है, और वो इंटरनेशनल माफिया तो दुनिया के हर कोने में ड्रग्स पहुंचाता है। तो वो जो है कि हम कहें पाकिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, वो जो इंटरनेशनल माफिया है जहाँ जहाँ दाव लगता है वहाँ वहाँ से सप्लाईज आना शुरू हो जाती हैं। बट हर सप्लाई डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो जहाँ जहाँ फिर डिमांड दिखने लगती है वहाँ वहाँ वो सप्लाईज ऑटोमेटिकली पहुँचनी शुरू हो जाती हैं, और उसी से कास्ट एस्केलेट हो जाती है। तो वो जो बाहर से आती हैं चीज़ें, वो भी एक बड़ी बात है कि वो बॉर्डर ट्रांसग्रेस करके आ रही है, या गाड़ियों में छुपा के लाया जा रहा है, या उधर से फेंका इधर से उठाया जा रहा है, तो एक बड़ा सोर्स वो भी रहता है कि इंटरनेशनल जो स्मगलिंग है वो भी इसमें होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ लोकल हमारे जो ड्रग्स बनते हैं तो वो कुछ बैंड ड्रग्स हैं, उनके बीच में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मटेरियल की ही लीकेज ही होती है, वो भी लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें कि लोकल मार्केट में क्या हुआ, फिर जैसे चरस, गांजा, ये चीज़ें यहाँ लोकल भी पैदा होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कुछ लोकली प्रोड्यूस हो जाती हैं, कुछ लोकली जनरेट हो जाती हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट से आ जाती हैं, और जब सम टोटल मारें तो वो फिर घूम फिर के ऐसा लगने लगता है कि सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, और जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी मार्केट में कि कौन सी चीज़ महंगी है उसको कम लो, जो सस्ती है उसको ज़्यादा ले लो। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े लेवल पर तो इस चीज़ को हटाने के लिए बहुत से आप लोग फैसले ले रहे हो और कदम भी उठा रहे हो, लेकिन जो फैसले डिसीजंस आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं वही आपके डिपार्टमेंट में जब हम चौकी लेवल पर जाते हैं या थाना लेवल पर जाते हैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आ रही है, तो इसके क्या रीज़न्स हैं सर?
नहीं उसमें तो देखिए जैसे हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो वो चौकी लेवल पे तो होती नहीं है, वो तो DSP SP DIG IG लेवल पे लोगों के कांटेक्ट में हैं लोग, तो उसमें कोई वो बात नहीं होती है। जहाँ तक रहा कि एक्शन की बात है, सीज़र है, पर्चा देना है, तफ्तीश होनी है, वो तो चौकी थाने नहीं करनी है और वो हमारे नोटिस में होती है, वो करवाई जाती है। बाकी ये रहा कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस एरिए में कोई बंदा ड्रग्स खाए नहीं, इस्तेमाल ना करे, वो जो नहीं खाने वाली कहानी है उसको टोटली ज़ीरो करना एक बड़ा काम है। और उसके बाद आप अगर एक आदमी को पकड़ते भी हो उसके पास एक पूड़ी है तो वो एग्जेम्प्टेड है उसमें एक्शन से भी, कि उसके पास जी 2 ग्राम है, 2 ग्राम तो उसने अपने लिए डोज रखी हुई है। अपने लिए डोज रखना जो है लीगली, या तो ये हो कि जो भी इस चीज़ को खाता है उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ बन जाता है कि उसको 4 साल जेल होगी, तो फिर तो लोग खाएंगे नहीं। तो वो जो है कहीं ना कहीं ला के बीच में एक लीवरेज होती है कि आम आदमी मारा भी नहीं जाए, लेकिन उसी के बीच में तो लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसमें जो इसकी मल्टीप्लायर है, वेलोसिटी है, वो बड़ी तेज़ है कि एक आदमी ड्रग लेता है, पहले वो दोस्ती में लेता है, उसको फ्री मिल जाती है, जब लत लग जाती है तो अब दोस्त से ख़रीदना शुरू हो जाता है। अब जब ख़रीदता है तो महीना भर ख़रीदने के बाद घर में पता लगता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो घर वाले पैसे बंद कर देते हैं। तो अब दोस्त से एक ही जगह 2 पुड़ियाँ ले लेता है, एक खुद खाएगा, एक और आगे तैयार करेगा, उसको बेचेगा। इस तरह से जो मल्टीप्लायर है वो बहुत ज़्यादा खराबी कर रहा है। तो वो जो मल्टीप्लायर है वो ख़राबी करने वाली कहानी जो है, दैट इज़ फास्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, वो रोकने की ज़रूरत है। सर, आप जो हमारे युवा हैं ज़्यादातर वही इस चीज़ का शिकार बन रहे हैं, आप हमारे माध्यम से हमारे युवाओं को और हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जो लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, हिम्मत करें, इसको छोड़ें, इससे बाहर निकलें। और उसके लिए जो पुलिस की मदद है हम हमेशा उनके लिए तैयार हैं। वो लोग जो इसमें घुसने के बाद निकल नहीं सकते हैं वो भी हमारे साथ रابطہ करें, हम उनकी भी मदद करेंगे और उनको निकालने की कोशिश भी करेंगे, हम करे जा रहे हैं। दर्जनों के हिसाब से लोग हमारे हॉस्पिटलों से ठीक होके जा रहे हैं। और मैं कहूँगा फिर दोबारा कि इन सारी बीमारियों को बीमारी लेके, कि एडिक्शन जो है ये एडिक्शन नहीं है, ये बीमारी है जिसको लग गई है, इसको निकालने के लिए सारी फैमिली को इकट्ठे होना पड़ेगा और वो शर्म ना करें, इकट्ठे होकर उसकी सपोर्ट करें, वो निकलाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ DIG अशकूर वानी जी, जिन्होंने खुलकर हमारे साथ इस विषय पर बात की और उन्होंने बताया कि पुलिस लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तत्पर है। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि लोग शर्म छोड़कर अगर उनके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसा इंसान है जो इस चीज़ से ग्रस्त है, उसको खुलकर सबके सामने लेकर आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका इलाज करेंगे, ताकि जल्दी ही जम्मू कश्मीर एक ड्रग फ्री स्टेट बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़, जम्मू।